पाकिस्तान की जनता भूखी मर रही है, लेकिन पाकिस्तानी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने की बजाय पाकिस्तानी कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर में गए थे और वो वहां के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए 4 किलो चावल देकर 8 किलो मलमूत्र कर गए हैं। साथ ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रतिदिन होने वाले अत्याचारों में हिंदू और सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर कभी चू भी न करने वाले शाहिद अफरीदी भारत को अब मजहब का ज्ञान बांट कर गए हैं। तो सबसे पहले सुनिए कि शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ कहा है। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है, वो बीमारी, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूं मैं अपनी पाक फौज को और उनके शहीदों को, और खास तौर पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जिस तरीके से वो पाक फौज का साथ दे रही है, इस पे मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की जबान समझने वाले लोग हैं। लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब मैं यहाँ पे आया हूँ। छोटा सा राशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आता रहूंगा, क्योंकि क्या पता अगर आप लोगों ने थोड़ी सी जमीन दे दी तो मैं यहाँ घर भी बना लूंगा। तो सबसे पहले शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि मोदी के दिमाग में मजहब की बीमारी है। अब अफरीदी की इस बात पर ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी जीबी रोड की महिला करवा चौथ की महिमा का गुणगान कर रही हो। मजहब के आधार पर बनाया गया इनका देश, जहां मजहब के आधार पर लोगों की हत्या, अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन कर पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को पाकिस्तान से खत्म कर दिया, धर्म के आधार पर अपने देश में आतंकी पाल रखे हुए हैं और मजहब का ज्ञान हम भारतीयों को दे रहे हैं। उसके बाद आगे अफरीदी मोदी को डरपोक बता रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि उनकी 7 लाख फौज के साथ 23 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। वहीं जहां तक मोदी को डरपोक बोलने की बात है तो पाकिस्तानी भी अफरीदी के ऊपर हंस पड़ेंगे। और 7 लाख की बात पर तो शिखर धवन ने बता ही दिया है कि हमारा एक आदमी भी 1.25 लाख के बराबर है और भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही 23 करोड़ है। इसके बाद अफरीदी ने अभिनंदन को चूजा बोलते हुए कहा कि हमने उन्हें वापस भेज दिया, ये पाकिस्तान की दरिया दिली थी। तो हम इस बात पर अफरीदी से कहना चाहते हैं कि अफरीदी शायद अपने प्रधानमंत्री इमरान खान को सुनते नहीं हैं। जब संसद में इमरान खान ने कहा था कि मुझे बहुत डर सता रहा है कि भारत कहीं आज रात हमारे ऊपर हमला न कर दे, और दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस लौटा दिया था, हमारी भारतीय सेना तुम्हारे लोगों को सीधे जन्नत पहुंचाती है और तुम्हें हमारे अभिनंदन को वापस लौटाना पड़ता है। शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को जरूरत है कि कोरोना वायरस में लॉकडाउन की वजह से भूख से मर रहे पाकिस्तान की जनता की मदद करें, उन्हें जागरूक करें, न कि इस लॉकडाउन और भुखमरी के समय जनता को कश्मीर का चरस पिलाएं। पाकिस्तान की हालत किसी से भी छुपी नहीं है, इनके प्रधानमंत्री पूरी दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं और शाहिद अफरीदी जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो पीपल्स, क्या राय है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज और इस तरह की अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहें। धन्यवाद।